इतनी गिरावट आ रही राजनीति के अंदर, जिस सोनिया गांधी जी के भावों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिस रूप में उन्होंने इंदिरा जी ने खालिस्तान ने बने दिया और नतीजा भुगता अपनी जान दे करके शहीद होकर के, उस पर जब उनका सीना छलनी हो गया गोलियों से, तो सोनिया गांधी जी के बाहों में उन्होंने जान दी अपनी, शहीद हुई है, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। और वो महिला जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हो, जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपने पति के शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो, आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है, जिसके दिल में संस्कार खुद में है वो सब इनका सम्मान करते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटका से, ऐसा लगता है। उस बोखलाट के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद के ऊपर कोई हम कमेंट करते हैं, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए, वो हमने देखा कई बार। और सोनिया गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पत्र लिखूंगा। जो कांग्रेस की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत कराऊंगा। और प्रधानमंत्री जी को खुद को चाहिए कि वो, हम देखते हैं इंतजार करेंगे वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री है, वहां के प्रधानमंत्री है, एक्शन लेंगे, वरना हम समझेंगे कि इनकी भावना भी उनके साथ में मिली हुई है, ये हमारा आरोप है। क्या राजनीति कहाँ जा रही है, आप समझ सकते हो कि देश में वैसे ही क्या हालात हैं, पूरा देश चिंतित है, हिंसा हो रही है यहाँ पर, समझ हिंसा हो गई है, पत्रकार, मैं बार बार बोलता हूँ, लेखक जेल जा रहे हैं, साहित्यकार, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप पक्ष विपक्ष को आप सहन नहीं कर पा रहे, ये सहन नहीं कर पा रहे हो, ये कोई दुश्मन आपके, आप एक पार्टी शासन हो देश के अंदर, उसकी तरफ लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की धज्जियां उड़ा के आप ले आना चाहते हो, मेरा मानना यह है। और देश ये कभी कबूल नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, समय आने पर सबक सिखाएगा। पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए